ऐसा हो सकता है कि एक एयरड्रॉप पे आग लग जाए या फिर एक व्हीकल जो कि पूरे मैप में बिना ड्राइवर के घूमते फिरे तो या फिर जो हमारा सर्वर होता है उससे हम कुछ इस तरह से यूज कर पाए। यार पता नहीं, बहुत सी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो तुम्हारे काम वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना और हाँ लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई न्यू ईयर की पार्टी कैसी रही यार, सबका मस्त बिताना। चलो ठीक है अब गेम पे आ जाते हैं। सो हमें चाहिए कोई सा भी व्हीकल और उसके ऊपर ना पानी पे लेके आ जाना, उसके ऊपर स्कोप ऑन करना है कुछ इस तरह से। जब ऑन करोगे तो ये कुछ नीचे से ऑन होता है, उसके बाद जॉयस्टिक से थोड़ा पीछे आ जाना एंड इसके बाद तुम्हारा जो इंटरनेट है ना उसे ऑफ कर देना एंड थोड़ा सा वेट करना और स्कोप को ऑफ कर देना जैसे तुमने किया था। अब देखो कितने नीचे हो गया एंड फिर से जो अपना इंटरनेट कनेक्शन है ना उसे वापस से ऑन कर देना एंड फिर से थोड़ी देर तक वेट करना है। अब जब ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा तो देखोगे ना तुम्हारा सर्वर का ड्राइव करने का एक्सपीरियंस पूरी तरह से अलग हो चुका है। मतलब जो इसका कंट्रोल है पहले से ऊपर से था बट अब हमें ये पूरा नीचे से देखने को मिल रहा है। मतलब हम जैसे चाहे वैसे ही सर्वर स्केटबोर्ड जो भी बोलो इसे उसे नीचे से भी उसे देख सकते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग सा लुक देता है भाई। तो चलो ये चीज ट्राई कर लेना एंड हाँ मैं तुम्हें एक काम की चीज बता बहुत। अब देखो काफी सारे ऐसे प्लेयर होते हैं ना जो गेम पे रैंक पुश करते हैं, मतलब सर्वाइविंग करके खेलते हैं, इधर छिपके हेड उसे खेलते हैं ना, वो पूरे रक्स करके नहीं खेलते, बहुत सारे प्लेयर होते हैं। खैर तुम्हारे लिए एक मस्त ट्रिक दिखाऊं। देखो अब गेम पे गाइस हो सकता है तुम बैक से घूमते होगे या फिर जोन के साइड साइड पे रहते होगे ताकि हम गेम पे टॉप 10 पे आ सके और हमारा रैंक इंक्रीज हो। खैर उसके लिए एक एट्रिक काम करेगा मैप में जगह जगह पे तुम्हें कोई ऐसी पिंक कलर वाला एयरड्रॉप देखने को मिलेगा जिसके अंदर ओपन करने के बाद ना हमें एक लॉन्च पैड मिलता है। खैर तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, इस लॉन्च पैड को परचेज कर लेना और इसे लेके कहीं नहीं जाना, जस्ट इसी के सामने इसे प्लेस करना, इसे यूज करना और बस एग्जिट कर देना। और ये देखो हम आ चुके हैं इस एयरड्रॉप के अंदर। खैर ये तो नॉर्मल है क्योंकि हम इसके अंदर बहुत बार आ चुके हैं, सामने एक बंदा भी आ चुका है। तो ये ड्रॉप हमारा तब तक काम करेगा जब तक नेक्स्ट जोन सामने आगे ना चला जाए। और ये बंदा भाई मेरे पीछे पड़ के मेरे को घुमा रहा है भाई। ओए हेलो यार ये भी अंदर आ गया। एक मिनट तेरी ऐसी कैसी, ये ले गाइस इसे क्या पता मैं इसके अंदर से भी मार सकता हूँ उसे। एंड एक और प्लेयर आ चुका है। चलो सबको छोड़ो, तो हमारा जोन तो यहाँ पे आ चुका है तो हम क्या करते हैं सीधा बाहर निकलते हैं और नेक्स्ट डायरेक्ट हमारा होगा नेक्स्ट ये एयरड्रॉप वाला। तो ये देखो यहाँ पर एक और गिरा हुआ है जो कि जोन के अंदर है, हम भी यहाँ पर ओपन करेंगे, शॉप को खोलेंगे, फिर से परचेस करेंगे और एक एयरड्रॉप मतलब लॉन्च पर फिर से लेके ना इसके जस्ट सामने लगा देंगे और फिर से एग्जिट एंड फिर से लीव। और ये देखो हम इसके अंदर फिर से हाइड हो चुके हैं, मतलब कोई बंदे हमें फिर से नहीं मार सकता और ये हमारा फिर से तब तक काम करेगा जब तक जोन फिर से हमारे सामने नहीं आ जाता। जैसे कि देखो जोन फिर से आ चुका है तो भाई यहाँ से चुपचाप बाहर निकलो क्योंकि हमारा काम इतना ही था एंड सीधे आगे चलते हैं। एंड आगे आने के बाद अगर वो ना मिले तो किसी भी ऐसी जगह पे जाना और फिर से घुस जाना भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस तुम्हारे पास छोटा लॉन्च पैड होना चाहिए, पैसे हो गए तो बहुत सारा खरीद के रख लेना भाई। ये ट्रिक यूज करने के बाद 100% बता रहा हूँ टॉप 10 या फिर बुया लिख के होना तो जरूरी है, मतलब अच्छे से खेलोगे तो बुया भी हो जाएगा एंड टॉप 10 में तो इजिली आ जाओगे। और पता होगा मैप में वैसे प्लेस बहुत ही होते हैं। ओके ये वाला कूल है ना, चलो ये वाला तो उससे भी ज्यादा कूल है। इसके लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, ये मैप पे लोकेशन देख रहे हो जहाँ पे मंकी होता है, चर्च के सामने आना है, हमें कोई सा भी एक व्हीकल लेकर आना है कोई सा भी और चर्च के सामने खड़ा कर देना और खड़ा करने के बाद बस लीव कर देना मतलब एग्जिट कर देना। और देखोगे तो तुम सीधे इस मंकी के नीचे आ चुके हो और यहाँ का जो वाटर है वो तो उसके पूरा फ्रीज, मतलब तुम पूरी तरह से हाइड हो। तो गेम पे बहुत देर तक हम यहाँ पर भी रह सकते हैं एंड बंदों को मारने के लिए हम नीचे से फायर नहीं कर सकते, हमें जंप करके मारना होगा और यहाँ से इजीली बाहर भी निकल सकते हैं। हमारे पास कंटिन्यू है तो हम दोबारा अंदर भी जा सकते हैं या फिर चाहो तो आधा बॉडी को बाहर रख लेना एंड आधा के अंदर रखना, इसके बाद भी हम यहाँ पर किल कर सकते हैं, है ना ये वाला भी कूल। चलो खैर ट्राई कर लेना, बट उससे भी कूल चाहते हो तो ये वाला देखो, ये है ट्रेनिंग ग्राउंड का ट्रिक, आई मीन सोशल आइसलैंड का, जहाँ पे देखा जाए तो बॉक्सिंग के अंदर हमेशा कोई ना कोई प्लेयर तो फाइट करते ही रहते हैं, है ना भाई, दो प्लेयर का तीसरा एंट्री होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा तीसरा एंट्री कुछ इस तरह से होने वाला है। अब ये ट्रिक सेम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमने फुटबॉल को बाहर लेके आया था, मतलब सर्वर को ऑन करो, रन करो, दो बार जंप करके कैंसिल करके फिर से रन करो। भाई ये ट्रिक तुमको शायद से पता होगा, सेम उसी मेथड का यूज करके हम इसके अंदर आ सकते हैं। और आने का फायदा ही है ना कि भाई देखो इसके अंदर जब नॉर्मली आओगे तुम्हारे पास नॉर्मल 200 हेल्थ होंगे, लेकिन अगर कुछ थर्ड पार्टी यूज करके कुछ ऐसे तरह से आते हो ना तो तुम्हारे पास हेल्थ ही नहीं है, मतलब बोला जाए तो अनलिमिटेड हेल्थ है जहाँ पे कोई बंदे तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास हेल्थ ही नहीं है भाई, तो घटेगा क्या। और यहाँ पर कोई प्लेयर इसके अंदर एंटर होता है ना तुम उसे इजीली किल कर सकते हो, बट तुम्हें यहाँ पर कोई भी किल नहीं करने वाला। सो ये ट्रिक और भी ज्यादा कूल हो जाता है इस तरह से, तो चाहो तो ट्राई कर लेना, सोशल आइसलैंड पे इजीली हो जाएगा। और हमने इसी तरह से यूज करके फुटबॉल को भी बाहर लेके आए हैं, तो उस वाली वीडियो को नहीं देखा जाके देख लेना, अवेलेबल है। चलो अब ठीक है एक और खतरनाक ट्रिक करते हैं जिससे हमें एयरड्रॉप पे आग लगाने वाले भाई, आग लगा देंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एक लंबोर्गिनी कार,
भाई इसी के साथ ये वर्क करेगा, कोई और नहीं लेके आना। ओके, और एक हमें एयर ड्रॉप चाहिए, एयर ड्रॉप जो कि चार्ज होना चाहिए, उसे सामने को फेंक देना और नेट को ऑफ कर देना गाड़ी में बैठने के बाद। अब जस्ट हमें यहाँ पे 10 से 12 15 सेकंड का वेट करना है, लगे ना कि हाँ हमारा एयर ड्रॉप नीचे गिर चुका होगा क्योंकि हमने इंटरनेट बंद कर दिया है, तो लगे कि इंटरनेट मतलब एयर ड्रॉप नीचे आ चुका होगा, फिर से वापस डेटा ऑन कर देना। चलो हमने अब ऑन कर दिया एंड थोड़ी देर वेट करना, तो भाई एक ब्लू लाइन तुम्हें देखने को मिलेगा नीचे। खैर थोड़ा वेट कर लेते हैं, जस्ट आ जा। ओके आ गया। सो अब इसके ऊपर व्हीकल को लेके जाना है और बीच पे पार्क कर देना है, मतलब इसके बीच पे ही रहने देना, और ये तुम्हें फटाक से करना होगा क्योंकि भाई कुछ देर पे कुछ अलग ही हो जाएगा। ये देखो ये हो चुका है एंड बस यहाँ से एग्जिट करना है। जैसे एग्जिट करोगे ना, ये लो, हेलो, अबे हमारा व्हीकल क्या ऐसे हो गया गाइस, ये लो गाइस एयर ड्रॉप ऊपर से नीचे आ गया और व्हीकल की जैसे जैसे भाई उसे तो देखो ये पूरे रोड से ना चिपक चुका है, मतलब रोड के बराबर में हो चुका है भाई, ये ना ये नीचे गया ना ये ऊपर। अरे यार कोई बंदे अगर इसके अंदर बैठे होते इंटर पे तो उसका क्या हाल होने वाला था पता नहीं यार, ये सोच की काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है, बट हमने इसे ट्राई नहीं किया। हाँ लेकिन तुम जैसे चीज को जरूर से ट्राई कर लेना अपने फ्रेंड के साथ में, एंड अगर हम इस व्हीकल को आग लगा देना तो यहाँ पे देखेगा एक कूलेस्ट सा नजारा जो कि सच में अमेजिंग है ब्रो। गाइस क्या ऐसा हो सकता है रियल एमबी के एक व्हीकल पे मतलब एक एड्रॉप पे आग लग सकती है? देखो व्हीकल तो कहीं है नहीं, बस ये ड्रॉप को देखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड कूल सा व्यू दे रहा है। सो खैर इस चीज को तुम भी ट्राई कर लेना अपने गेम के अंदर जैसे कि मैंने बताया, और हो सके तो अपने फ्रेंड को एंटर करवा देना, भाई उसके बाद क्या होगा यार वो खुद ही ट्राई करके देखना ना, बहुत ही अलग देखने वाला है। ओके अब हम गेम प्ले खेलते हैं ना, तो उसके अंदर मैप्स होते हैं ठीक है। अगर मैं बोलूं कि फ्री फायर के अंदर एक शहर भी है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो क्या यकीन करोगे? चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ। ये रहा भाई हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक से है, जहाँ पे जैसे आते हो ना 10 सेकंड के हमें एक प्लेन मिलता है जिससे हम फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें पर्सनली अपने शहर पे लैंडिंग के लिए, खैर ये 2 सेकंड बाद फिर से लैंड हो जाएगा ऑटोमेटिक से। ओके हम नीचे लैंड हो चुके हैं, और इसकी खासियत बताऊं भाई बहुत ही ज्यादा कूल है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक शहर है जो कि अपने आप ही काम करता है, मतलब देखा जाए तो देखो हमारे पास सबसे पहले कुछ मतलब ये जंपिंग वाले क्या बोलते हैं यार स्पाइडरमैन वाले रस्सियां होती है जिसका यूज करके हम इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं जैसे को स्पाइडरमैन करता है। उसके अलावा ऊपर एक ट्रेन भी चल रहा है जो कि ऑटोमेटिक से चल रहा है, मतलब रेल की भी इसके अंदर सुविधा है। एंड वो तो छोड़ो भाई, अगर तुम इसके अंदर रोड पे देखोगे ना तो ऑटोमेटिक से व्हीकल भी चलते हैं। ये देखो ये रोड पे ना पूरे चारों तरफ राउंड करते रहते हैं बहुत सारे व्हीकल जो कि हॉर्न भी मारते हैं ब्रो। ये देखो एक बाइक आ रहा है, अभी कौन सा बाइक है यार कुछ ज्यादा अलग दिखाई। सो ये सामने जब कोई प्लेयर आता है ना तो ये हॉर्न भी मारते हैं, पर देखा जाए तो इसके अंदर कोई बैठा भी नहीं है, फिर भी पता नहीं ये कैसे चल रहा है। अब इसके तो चक्के भी नहीं चल रहे हैं, ये गुड़क रहे हैं, अभी क्या हो रहा है। सो ये तो था, चलो अभी और भी कुछ दिखाता हूँ। एंड एक मिनट, सामने से एक और व्हीकल आ रहा है यार, ऐसे स्किन तो फ्री फायर के अंदर है भी नहीं भाई, ये कौन सी स्किन है इसके अंदर, काफी कूल है ना। हाँ इसके अंदर एक रेलवे भी है जो कि ये रहा, यहाँ पर बैठने के लिए यात्रियों के लिए सुविधा भी दी गई है। एंड अभी हमारा ट्रेन आता ही होगा, हो रहा भाई ट्रेन आ रहा है। खैर इसके अंदर बैठने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या मैं इसके अंदर बैठ भी पाता हूँ। अबे अबे रुक जा, अरे यार कैसा ट्रेन है भाई, अपने कस्टमर को छोड़ के जा रहा है, ये देख रहे हो भाई फालतू ट्रेन साले। ओके और इसके अंदर बहुत सारे सिटीज भी है जिसके अंदर बहुत सारे शॉप अवेलेबल है, जैसे कि पहला रेलवे वाला शॉप है जहाँ पे अगर तुम खोलोगे गाइस करीना का गूगल का लोगो फेसबुक व्हाट्सएप भाई क्या क्या डाल रखा है इन लोगों ने, सब कुछ यहाँ पर लोगो है जो परचेस कर सकते हो। उसके बाद नीचे एक और आओगे तो देखो यहाँ पर सिटी मार्केट है, चलो इसके अंदर शॉप पे चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है अंदर। एंड यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पे कुछ गन वेस्ट ग्लूवॉल जूते टोपी हेलमेट सब कुछ है, खैर ये नॉर्मल है। ये दूसरा वाला जो कि वेपन शॉप है, इसके अंदर भाई देखोगे तो मिलेंगे तुम्हें लेजेंडरी वाले वेपन्स जो कि तुम यहाँ से परचेस कर सकते हो। खैर ये तो मैंने कुछ ही शॉप बताया है, अंदर और भी बहुत सारे शॉप है जहाँ से तुम कुछ ना कुछ परचेस कर सकते हो। एंड ये मैप खेलने में बहुत ज्यादा अलग है, एंड ये 1v1 भी है तो काफी मजा आएगा तुम्हें ट्राई करने में। हाँ यार मैप कोड ये लो स्क्रीन के सामने तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, सो इस वाले मैप कोड को एंटर कर लेना इंडिया का है तो इजिली प्ले कर सकते हो। खैर चलो अब ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलने वाला, इतना कुछ तुम गेम पे जाके ट्राई कर लेना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना यार नहीं किए होगे तो, और सब्सक्राइब भी कर देना।